भारी शिकस्त मिलने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेताओं को शामिल होने का निर्देश दिया गया है। गुरुवार को होने वाली बैठक में मायावती निकाय चुनाव में हुई हार की समीक्षा करेंगी, साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर भी बसपा मंथन करेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर 18 मई की बैठक के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने योगी सरकार पर निकाय चुनाव में सत्ता के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगाया है। मायावती ने ट्वीट में लिखा कि सत्ताधारी पार्टी द्वारा जन विरोधी नीतियों, गलत कार्यकलापों, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, इनका द्वेषपूर्ण दमनकारी व्यवहार और धर्म का राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल अति गंभीर व अति चिंताजनक है, लोकतंत्र के लिए घातक है। मायावती की समीक्षा बैठक को सपा ने महज दिखावा बताया है, साथ ही बसपा को भाजपा की बी टीम करार दिया है। बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। वो जो हार की समीक्षा कर रही है वो केवल दिखावा है। वास्तव में बीएसपी खुद ही भारतीय जनता पार्टी को डराने का काम कर रही थी। और जो ये नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है उसके आधार पर आगे जो 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है उसके बारे में माननीय बहन जी हम सभी लोगों को निर्देश देंगे। गौरतलब है कि इस बार नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने राज्य के सभी 17 नगर निगमों के महापौर पद पर एक तरफा जीत हासिल की है। किसी भी विपक्षी दल को महापौर सीट पर जीत नहीं मिली। नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में भी भाजपा का दबदबा रहा। निकाय चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर विपक्ष लगातार सिस्टम का विलाप कर रहा है, भाजपा की जीत को नकली बता रहा है, लिहाजा भाजपा की ओर से भी विपक्ष को करारा जवाब लगातार दिया जा रहा है। निकाय चुनाव के नतीजों में भाजपा की बुलडोजर ने अखिलेश की सपा, मायावती की बसपा, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को ऐसा रौंदा कि सुपड़ा साफ कर दिया। भाजपा ने सभी 17 सीटों पर भगवा झंडा लहरा दिया, जिसके बाद विपक्ष लगातार चुनाव में धांधली का गंभीर आरोप लगा रहा है। अखिलेश के नकली जीत वाले वार पर भाजपा ने नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला प्रहार किया है। विपक्षी दलों से कहना हूं, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अगर आपको कुछ करना आता नहीं और आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, समाजवादी पार्टी और बसपा के जब सरकारें थीं तब ये लोग किस तरीके से दुरुपयोग किए, लोगों को वोट डालने नहीं दिए जाते थे। सपा के आरोपों पर मंत्री असीम अरुण ने भी पलटवार किया। कन्नौज पहुंचे समाज कल्याण राज्य मंत्री अखिलेश पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कन्नौज में उनके प्रत्याशी जमानत तक नहीं बचा पाए। कन्नौज में उनके जो प्रत्याशी हैं उनकी जमानत जब्त हुई, वो नंबर 5 पे मेरे ख्याल से रहे हैं। तो सरकारी तंत्र ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता कि इतना उनको हरा दे। विपक्ष आरोप चाहे जो लगाए, लेकिन सच यही है कि नगर निगम की 17 सीटों पर भाजपा की स्ट्राइक रेट जहां 100% रही, वही विपक्ष 0 पर आउट हो गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।